केसुदा उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षाकर्ष के लोकार्पण समारोह में, बूंदी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, इस पंचायत समिति के प्रधान राजेश राजपुरिया जी, जिला परिषद के सदस्य पुरुषोत्तम शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी, इस गांव की सरपंच श्रीमती कलावती खटाना जी, जो सरपंच का काम संभाल रहे हैं पप्पू खटाना जी, सभी गांव के नागरिक बंधुओं, किसान साथियों, नौजवान साथियों, मैं केसुदा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस सरस्वती के मंदिर से जिन बच्चों का भविष्य निर्माण करना चाहते हैं उस सरस्वती मंदिर को सुविधाओं की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, अच्छी शिक्षा की दृष्टि से विद्यालय के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य, यहां के अध्यापक अध्यापिकाएं, अभिभावकगण की समितिगण, सभी को धन्यवाद देता हूं जिनकी मन की अपेक्षा है, आकांक्षा है कि हमारा विद्यालय जिले का श्रेष्ठ विद्यालय बने। और ये आकांक्षा, ये अपेक्षा आपकी है, इसलिए बधाई के पात्र है। साथियों, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जहां जहां शिक्षा पहुंची, वो प्रदेश हो, वो देश हो, वो समृद्धि खुशहाली आई है। शिक्षा के माध्यम से ही समृद्धि खुशहाली आती है। और इसीलिए हम सबका सामूहिक प्रयास एक ही है कि हम इस शिक्षा के मंदिर, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय में इस भारत की तकदीर को परिवर्तन करेंगे, तस्वीर को परिवर्तन करेंगे, गांव की तस्वीर को परिवर्तन करेंगे, अपने परिवार की तकदीर को परिवर्तन करेंगे, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिले। और जो गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में शिक्षा को सबसे सर्वोपरि रखता है, मैं उस गांव को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर एक रोड नहीं बना होगा, नाली नहीं बनी होगी, तो भी गांव का काम चल जाएगा। लेकिन गांव के अंदर एक भी बच्चा शिक्षित रह गया तो हम गांव के अंदर समृद्धि खुशहाली नहीं ला सकते। और यहां पे पढ़ने वाला बच्चा आने वाले समय के अंदर भारत का नेतृत्व करेगा, प्रदेश का नेतृत्व करेगा। उसके गांव में हमेशा अपने गांव के विकास की, अपने गांव की समृद्धि की आकांक्षा रहेगी कि मुझे मेरे गांव का विकास करना है, मुझे देश की तकदीर को परिवर्तन करना है, भारत की तकदीर को परिवर्तन करना है।
और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इसलिए मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि हमें गांव पंचायत और पंचायतों पर तीन विषयों पर विशेष रूप से काम करना चाहिए। हमारे गांव के अंदर शिक्षा के मंदिर अच्छे हों, विद्यालय अच्छे हों, उस विद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले, उन विद्यालय में क्या क्या और नई शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है, नई तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम किस तरीके से दुनिया के साथ केंद्रता में पढ़ने वाले बच्चे को भी दुनिया के समकक्ष खड़ा कर सके, इसके लिए तकनीकी रूप से नई शिक्षा की आवश्यकता भी। मैं भारत के नौजवान के गांव के नौजवान के टैलेंट को जानता हूं, उसकी बौद्धिक क्षमता को जानता हूं। हिंदुस्तान के अंदर गांव से पढ़ने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है, देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, देश की शिक्षाविद के रूप में सबसे बड़ा शिक्षाविद बन सकता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गांव का नौजवान का बच्चा होता है। और इसलिए मैं मानना चाहिए कि मेरे गांव का बच्चा, मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा यही दुनिया के अंदर आने वाले समय में नेतृत्व करेगा, यह आत्मविश्वास हर गांव वालों के अंदर होना चाहिए। और इसलिए ये मानकर चलो कि आप अगर तय करेंगे कि केतुदा को हमें सबसे अच्छा शैक्षणिक विद्यालय पढ़ना है या कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है तो कंप्यूटर लैब लगाएंगे, या खेल के मैदान की आवश्यकता हो तो खेल के मैदान बनाएंगे, यहां पर सैटेलाइट के रूप में स्मार्ट रूम बनाने की आवश्यकता हो तो स्मार्ट रूम बनाएंगे, ताकि वह बच्चा उस सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया भर की शिक्षा को प्राप्त कर सके बैठकर। और इसी लक्ष्य के साथ हमें चलना है। मैं मेरे लोगों से एक ही बात कहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के अंदर सबसे ज्यादा मुझे मदद की आवश्यकता है तो विद्यालय के अभिभावक समिति की मदद की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पास सांसद की जिम्मेदारी है, इसके साथ आपने लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी है। इसलिए हम नीचे तक हमारे टीम वर्क को काम करने वाली एक टीम को अच्छी बनाएंगे कि हमें गांव के विद्यालय को लेकर एक अभिभावक समिति बनाई, उसमें बैठकर हमने चर्चा की कि हमारे गांव के अंदर क्या क्या नई शिक्षा के अनुसार विद्यालय में हम क्या क्या आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। उसकी आपने एमएलए साहब को लिख कर दी, मुझे लिख कर दी, और उसके बाद जो बच्चा पढ़ रहा है एक एक बच्चे को हमने स्लिंग की, विद्यालय के प्राचार्य से मिले, अध्यापक से मिले, कि जितना बच्चा हमारे यहां 550 बच्चा पढ़ रहा है वो 550 बच्चे में से जो 12वीं क्लास पास करके जाएगा उसको 11वीं पास करते ही हम उसके लिए प्लानिंग करने लग जाए, योजना बनाने लग जाए कि उसको क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करनी है, स्किल करनी है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी शिक्षा दिलानी है, वो सारी की सारी चर्चा गांव में बैठकर हो। आप हमसे कहो कि हमें कुछ एक्सपर्ट टीम चाहिए, हमारे बच्चों के बौद्धिक क्षमता के अनुसार, कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जो उसकी रुचि हो, जिस विद्यालय से कॉलेज में वह जाना चाहता हो, वहां पर गांव के अंदर अभिभावक बैठे आकर उससे चर्चा करेंगे, हमारे इतने बच्चे हैं जिनको हम उच्च शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं, हमें कॉलेजों के अंदर एडमिशन चाहिए, ताकि हम बच्चे को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिला सकें। अगर हमने
अच्छी शिक्षा दे दी। एक नौजवान को हमने अच्छी शिक्षा संस्कार दे दिया तो हम भारत की तकदीर को परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा इस गांव के अंदर कई लोग ऐसे होंगे जो 65 साल से उम्र के होंगे, उसमें से 50% लोग अशिक्षित होंगे। क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे गांव में एक भी व्यक्ति अशिक्षित रहता है तो हमारे लिए चिंता की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने जो 65 साल 60 साल से ऊपर जो महिलाएं पुरुष हैं उनको उसी गांव के अंदर और उसी गांव के अंदर जो पढ़कर गया बच्चा उसी को वहां पर लगाकर उन 65 साल के 60 साल के 70 साल के जितने भी महिलाएं बुजुर्ग थे उनको उन्हीं गांव में मेरी पाठशाला के नाम से विद्यालय शुरू करने का काम शुरू किया। आपके गांव में भी मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो भी बुजुर्ग हो महिला हो कम से कम सामान्य रूप से पढ़ ले, अपने हस्ताक्षर कर ले पढ़ ले। और इसके लिए कोई पढ़ाने वाला कोई नहीं जाएगा, इसी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा अपने आने वाले समय में अपने माता पिता को पढ़ाने का काम करेगा। ताकि हम यह कहें कि हमारे गांव में 100% शिक्षित गांव है। हमें जब इस लक्ष्य के साथ काम करना होगा तो एक एक गांव के अंदर हमारे जनपति और सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होना चाहिए कि मेरे गांव में मैं 100% लोगों को शिक्षित करूं। दूसरा काम स्वास्थ्य का, हमने कोरोना महामारी के संकट को भी देखा है और उससे हमने समझ लिया है कि कोरोना संकट महामारी के कारण हम अपने कितने लोगों को बचा नहीं पाए। और इसीलिए इस गांव के अंदर इस पंचायत के अंदर हर गांव के अंदर 5 हमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है। आपकी जिम्मेदारी है कि उन 5 कार्यकर्ताओं को छांटे, उनको स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्किल हम ट्रेनिंग कराएंगे, उनको बीपी स्टूडेंट मेंट देंगे, उनको ग्लूकोज नापने की मशीन देंगे, थर्मामीटर देंगे और सामान्य रूप से वह लोगों की जांच कर सके। और वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर बार महीने 2 महीने में हर गांव के व्यक्ति की जांच करता रहे और उसको लगे कि इस व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है, तालेड़ा दिखाए, बूंदी दिखाए, उसके बाद जरूरत हो कोटा दिखाए, उसके बाद और जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें, जयपुर दिखाए, उससे बड़ी जरूरत हो तो दिल्ली दिखाए। हम चाहते हैं कि हर गांव का व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। चाहे सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, उसके मन में भाव होना चाहिए कि मुझे सेवा ही करनी है, सेवा करने ही मेरा कर्म है। तो निश्चित रूप से आप माने उससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा अपने गांव के अंदर होने वाली उपज को हम कैसे नई तकनीकी की कृषि कर सके ताकि आने वाले समय के अंदर अब इस इलाके के अंदर पशुपालक है, कोई ऐसा पशुपालक नहीं है यहां पर बैठा हुआ जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 3 लाख रुपए लिए होंगे, है क्या कोई एक भी व्यक्ति? अब मैं चाहता हूं कि इस गांव के अंदर वो योजना शुरू करने वाला हूं कि हर पशुपालक को भी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह 3 लाख रुपए तक का मिनिमम कम से कम ब्याज पर ऋण मिलेगा ताकि वह किसान की खेती भी करे, पशुपालक भी बने, बूंदी भी नजदीक है, कोटा भी नजदीक है। हमारी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी गांव में बैठकर चर्चा करें कि हमारे गांव में कितने लोग हैं। आय बढ़ाने के लिए मैंने पिछली बार में लगातार 1 साल से कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक सरपंच ने आकर नहीं कहा कि भाई साहब हमारे यहां पर आप 1000 फलदार पौधे भेज दो, हम इस बार फलदार पौधे लगाएंगे, पेड़ भी आएगा,
ऑक्सीजन भी आएगी, फल भी आएंगे। मैंने इस बार लक्ष्य रखा है कि 1,00,000 फलदार पौधे पूरे लोकसभा क्षेत्र में दिए जाए, अगले साल 2,00,000 दिए जाए, ताकि हर व्यक्ति गांव के अंदर फलदार पौधे लगाए, उसमें से कुछ फल आए वो भी काम आएंगे और पेड़ की छाया भी काम आएगी। लेकिन धीरे धीरे गांव के अंदर जो वृक्षारोपण होता था वो बहुत पुराने पेड़ लगे हुए हैं, नए पेड़ लगाने की लोगों की आदत नहीं है। आज हमें गांव को समृद्ध करना है तो हमें ही करना पड़ेगा। हम तो आपके सहयोग के लिए तैयार हैं और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ग्राम पंचायत में सरपंच साहब पर ही जिम्मेदारी नहीं डालना चाहिए। गांव के अंदर 10-20 लोग बैठे, हर एक में चर्चा करें, बातचीत करें, भाई क्या क्या आप इस समय। अब मैं गांव में जाता हूं, एक व्यक्ति अलग कागज पकड़ाता है, दूसरा अलग पकड़ा, तीसरा अलग पकड़ाता है। मैंने कई बार कहा कि गांव में बैठो, सामूहिक रूप से बैठो कि पहली आवश्यकता क्या क्या है, दूसरी आवश्यकता क्या है। एमएलए साहब से अगर विधायक कोष का पैसा लेना है तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या होना चाहिए, सेकंड प्राथमिकता क्या होना चाहिए, सांसद को काम बताना है बताओ, उसको एडमिशन मिले इसके लिए वो मुझसे संपर्क करें। और अगर यहां कंप्यूटर लैब नहीं है तो कंप्यूटर लैब डाले, हर बच्चा कंप्यूटर सीखे, क्योंकि बिना कंप्यूटर बिना तकनीकी ज्ञान के आप दुनिया के अंदर और देश में प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाओगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर बच्चा कंप्यूटर सीखे। खेल के मैदान के लिए 8 बीघा जमीन उन्होंने भी सरपंच साहब ने कहा मैंने खाली कराई, उस 8 बीघा जमीन पर सरपंच साहब बाउंड्री वाल करा के वहां छोटा मोटा खेल का मैदान हो ताकि बच्चे लोग वहां पर शाम को खेल का मैदान में खेल न सके। उसके जितने भी संसाधन की आवश्यकता हम उपलब्ध कराएंगे। और मैंने जो बताया आपको इस काम के प्राथमिकता के अनुसार करने की कोशिश करेंगे। मैंने कई जगह देखे गांव के अंदर, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अभी कुछ दिन पहले गुवाहाटी में गया था तो गुवाहाटी के अंदर मैंने एक स्कूल को देखा और उस स्कूल को चलाने का काम प्रधानमंत्री पर नहीं कर रहे, गांव के लोग कर रहे थे। उस गांव के अंदर उस स्कूल के अंदर पूरे बच्चों का उनके पास डेटा था कि ये बच्चा 11th होने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन करने जाएगा, इसकी इतनी परसेंट होगी, पूरा स्कूल जो देश के अंदर शहर के बड़े स्कूलों में व्यवस्था हो सकती है वो सब व्यवस्थाएं उस स्कूल के अंदर थी। हमारे केतुता के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल के अंदर धन की कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये कह सकता हूं आपके काम में धन की कोई कमी नहीं आएगी, आपके विद्यालय के अंदर जो आवश्यकता होगी सब कराएंगे। मुझे अभी सरपंच साहब ने कहा है कि यार टॉयलेट ब्लॉक नहीं है, टॉयलेट ब्लॉक सरपंच साहब नहीं होगी तो मैं बना दूंगा, और भी आवश्यकता होगी तो मैंने कहा आप इस केतुदा को मॉडल स्कूल बनाओ ताकि आसपास की पंचायतों में प्रतिस्पर्धा हो और वहां के लोग भी सामूहिकता के काम करके अपने स्कूल को अच्छा बनाने का काम करें। एक स्कूल से प्रेरणा लेकर दूसरे स्कूल वाले भी काम करेंगे तो कि यह बढ़ने वाला बच्चा ही भारत की तकदीर बनाएगा, गांव की तकदीर बनाएगा, परिवार की तकदीर बनाएगा। जब उसको अच्छी शिक्षा तकनीकी शिक्षा मिलेगी तभी हम दुनिया के अंदर भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए शिक्षा सबसे आवश्यकता है। मुझे सोचता हूं कि आप सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और अगली बार मुझसे मिलेंगे तो केवल स्कूल के लिए आए मिलेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।